अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक और खैरियत होंगे। दोस्तों, न्यू शाहीन मोबाइल की तरफ से आपको मैं खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए न्यू शाहीन मोबाइल चैनल को और न्यू GSMC चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों, नई अपडेट आई है EFT डोंगल प्रो जो है 4.6.4 दोस्तों। तो ये जो अपडेट है SPDMTK क्वालकॉम और एप्पल के फ़ोन के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखें, इसमें जो है अपडेट आई हुई है SPD की दोस्तों। इसमें न्यू डिज़ाइन इजी मेन्यू इसमें है और ऐड किया गया SPD ओल्ड और न्यू जो है UI अपडेट इसमें है दोस्तों। ऐड इन्फो बूट भी इसमें है और रीड फ्लैश फॉर्मेट डिस्क और राइट डिस्क इसमें दोस्तों ऐड किया गया है और आप नेटवर्क को भी अनलॉक कर सकते हैं बूट मोड में दोस्तों, और रिपेयर कर सकते हैं। ऐड जो इसमें किया गया है दोस्तों, रिपेयर IME बूट मोड इसमें कर सकते हैं और MDM लॉक जो बूट मोड में वो भी रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों ऐड न्यू जो बूट इसमें है SPD V2 इसमें किया गया दोस्तों। इसमें ये प्रोसेसर दिए गए हैं SC जो है 7031E है, V2 में शामिल किया गया इसको बूट में दोस्तों, और SC जो है 9863 है इसमें, SC जो है 9863A दोस्तों इसमें है, ये 64 है इधर लिखा हुआ V2, तो ये T606 दोस्तों है इसमें और T610 इस तरह दोस्तों इसमें। तो ये इसका जो SPD का टूल था दोस्तों, इसमें MTK का टूल आया हुआ है, न्यू डिजाइन एंड इजी मेन्यू दोस्तों इसमें। ये जो नई अपडेट आई है बहुत ज़बरदस्त अपडेट आई है दोस्तों, अच्छी अपडेट है ये, वैसे भी अपडेट इसकी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों ये देखें, इसमें ऐड न्यू जो है आप इमेज रिपेयर कर सकते हैं, जेनेरिक MTK ECP दिया गया है जो है, इसको आप इमेज रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों बीरो में दोस्तों। और ऐड जो है रिपेयर नेटवर्क जो सिक्योरिटी है उसकी सिक्योरिटी 2020-2021 इसको जो है कर सकते हैं आप। उसके बाद ऐड रिपेयर नेटवर्क जो है सिक्योरिटी उसकी भी इसमें अपडेट है 2022 तक दोस्तों आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो है एड रीड IME भी कर सकते हैं आप MTK CPU में दोस्तों, और इसमें एड बैकअप विद जो CID नंबर है EMC का होता है दोस्तों या UFS का होता है, तो आप वो भी इसके MTK ऑपरेशन में कर सकते हैं। एड US में जो है इसमें बी रोम में सैमसंग लोग में कर सकते हैं। एड जो है वो ये CPU दिया गया है बहुत फ्री, बाकी आगे चल के दिखाऊंगा दोस्तों आपको, और इसमें सैमसंग का भी और फ्री है और न्यू डिवाइस फॉर MTK प्रोटोकॉल जो है V6 इसमें ऐड किया गया है। क्वालकॉम का भी ऐसे ही दोस्तों, इसमें न्यू डिजाइन इजी मेन्यू में अपडेट की गई है, ऐड किया गया इसमें, और रीड फ्लैश भी और रीड जो है इसमें जो रिपेयर है चिप डैमेज हवावे जो है उसको रिपेयर करने के लिए अपडेट रिमूव ID हवावे की जो हम ID लगी होती है उसको रिमूव करते हैं इसमें ऐड है, और फिक्स ओल्ड लोडर भी इसको इसमें ऐड किया गया दोस्तों। एप्पल में दोस्तों एडिड जेल ब्रेक बैकअप एप्पल विद इन्फो दोस्तों इसमें अब नई अपडेट दी गई है। एडिड जो डिसेबल अपडेट रीसेट स्किप दोस्तों सेटअप 1 क्लिक में आगे देखेंगे, इसमें हमारे पास कोई फ़ोन आएगा तो उसको देखेंगे दोस्तों। एड डिसेबल जो है अपडेट रीसेट स्किप जो है सेटअप रैम डिस्क हेलो जो है बाईपास पे सेट होता है, तो देखते हैं उसको एयर पे जाएंगे दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं दोस्तों, इतना तो हक बनता है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें दोस्तों, ये इंटरफेस है इसका, ये दोस्तों आपके सामने जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखें दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये 1 क्लिक में अब इसमें अपडेट आई है, आगे देखेंगे आईफोन में
ये इसकी अपडेट रिमूव आईडी वावे आपको बताया पहले, ये इसके दोस्तों ये सीपीयू है बताया है एमटीके में जो है। आगे ये देखें दोस्तों एमटीके में जो दोस्तों ये सैमसंग टोनलोड मोड में दोस्तों आप जो है वीरोम सैमसंग टोनलोड मोड में दोस्तों इसमें ऐड किया गया है। ये सैमसंग के फ़ोन हैं दोस्तों, इसमें सैमसंग गलेक्सी जो है A03S है, इसमें इस तरह इसमें काफ़ी सारे मॉडल ऐड किए गए हैं दोस्तों। और इस तरह ओप्पो के मॉडल भी इसमें बहुत फ्रे जो है MT6771 जो है ये इसको भी ऐड किया गया। इस तरह ये ओप्पो के जो सेट हैं इसमें दिए गए हैं, इसमें A91 है और इस तरह मॉडल हैं A15 है, A3 है, इस तरह F7 है, F9 हो गया, R15 और फर फ्री दोस्तों। इस तरह दोस्तों एड सैमसंग जो बहुत फ्री है इसके, इसमें भी सैमसंग के जो दोस्तों ऐड किए गए हैं तकरीबन 4 मॉडल हैं सैमसंग के इसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों ऐड न्यू डिवाइस फॉर MTK प्रोटोकॉल जो है इसमें ऐड है V6 में। और इसमें इन्फिनिक्स की हॉट 20 जो प्रो है 168/37 V6 दोस्तों इसमें ऐड किया गया। इन्फिनिक्स नोट जो 12 है वो इसमें ऐड है दोस्तों, 166/76 भी इसमें दोस्तों। इस तरह इसमें जो है इन्फिनिक्स के हैं, ब्लैक ब्लू के भी हैं दोस्तों, और टेक्नो के भी सेट है। यू क्योंकि फ़ोन इसमें है दोस्तों, इस तरह टेक्नो के कुछ मॉडल इसमें दिए गए, कम से कम 6 इसमें जो मॉडल दिए गए हैं, पोवा 5 इसमें है दोस्तों। इस तरह इसमें जो है दोस्तों ये कमांड जो हो गया 19 प्रो इसमें है, C18M तो इस तरह दोस्तों इसमें अच्छी अपडेट आई है। और क्वालकॉम जो है दोस्तों न्यू डिज़ाइन है, ये जो मैंने इसमें आपको मैंने बताया था। और इस तरह दोस्तों ये जो है ये इसमें न्यू डिज़ाइन इस मेन्यू में ये आपके सामने डिटेल है। FRP अगर आप रेज करना चाहते हैं अपडेट जो है जो हवावे आप इसकी फ्लैश वाइल फ्रेम में राइट करना चाहते हैं तो इस पर हो जाएगा। तो इसमें आप जो है ओप्पो रियलमी के जो OFP फ्रेमवेयर होता है उसको इसमें अनलॉक रीड राइट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें राइट EMC डाउन फ्रेमवेयर भी इसमें दोस्तों है यहाँ पर। तो इसमें वीवो का ये बूट लोडर है, प्री लोडर है दोस्तों। इस तरह दोस्तों इसमें जो है आपके सामने ये है कि MDM ब्लॉक जो है सपोर्टेड है इसमें 2019 से 2020 तक दोस्तों है इसमें। बाकी दोस्तों ये डिटेल आपके सामने है। उसके बाद दोस्तों इसमें सपोर्ट के मॉडल हैं V6 में, प्रोटोकॉल इन्फिनिक्स टेक्नो के हैं दोस्तों इसमें। और प्रोटोकॉल में MT के जो है V6 में प्रोटोकॉल डिवाइस एंड रीड इनफो फ्लैश परमिट FRP आप कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों फ्री ऑथ जो टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल के मोबाइल हैं उसको आप कर सकते हैं। ये SPD के दोस्तों ये इसमें अपडेट है। और इसमें सैमसंग की अपडेट है दोस्तों कि आप इसमें जो है इसमें बाईपास कर सकते हैं ADB मोड में, MTP मोड में। और दोस्तों इसमें जो है आप इसका FRP रिमूव कर सकते हैं डायरेक्ट MTP 2023 सेलेक्ट करके। उसके बाद इनेबल ADB आप इसमें कार एमरजेंसी में ये मिला के दोस्तों #0** मिला के इसको आप FRP अरे ये बाईपास एमरजेंसी मिलाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसका FRP जो है ADB मोड में आ जाएगा, उसके बाद इसका लॉक हट जाएगा जो FRP है लॉक दोस्तों डायरेक्ट जो है MTP ये भी इसमें। और इसमें अगर ट्रांसलेट आप करना चाहते हैं ADB मोड में तो एंड्रॉयड 13 तक हो सकता है दोस्तों। इसमें जो कन्फर्म है ये इसमें अपडेट दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, ये एप्पल के फ़ोन हैं दोस्तों, ये आपके सामने है ये। तो इसका जो है आगे चल के देखेंगे जब इसका इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। ये रोक चिप है, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे
हम दोस्तों इसका जो है जो इसका फ्रेम इसकी नई अपडेट आई है दोस्तों उसको डाउनलोड करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए वीडियो अच्छी अच्छी बनाते रहते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये इसकी नई जो अपडेट है हम करेंगे उसको। हम जाते हैं, आप गूगल से कर लें तो ठीक है, EFT से कर लें तो ठीक है, और मेगा से कर लें तो ठीक है। हम डाउनलोड पे जाते हैं मेगा के, देखते हैं इसको। दोस्तों इसकी नई अपडेट यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ से इसके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सेटअप है तकरीबन 70.2 MB का है, तो इसको डाउनलोड करेंगे। ये देखें दोस्तों, इसका जो नई अपडेट है 4.6.4, इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह इसको जो है हम जो है इंस्टॉल करेंगे, फिर देखेंगे दोस्तों कि इसमें जो अपडेट आई है। इंटरफेस ओपन करके देखेंगे दोस्तों, तो ये जो EFT है दोस्तों, ये जो है ये पेड है। तो कोई दोस्त पूछते हैं कि इसका पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड बताएं, तो दोस्तों ये पेड है, तो आप इसको बाय करें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसको ये बाय करना पड़ता है दोस्तों, ये फ्री नहीं है, और ये इंटरनेट के बगैर दोस्तों ये वर्क नहीं करता। AT 1.2 दोस्तों हो गया है, बस ये डाउनलोड होने को है। मैंने EFT जो है दोस्तों वो मैंने PC में लगाई हुई है। आप दोस्तों EFT जो है वो बाय कर सकते हैं EFT के बगैर, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड देके दोस्तों इनकी वेबसाइट से जाके। दोस्तों नेट जो है वो हमारा स्लो है, देखें दोस्तों हमारा जो नेट है वो थोड़ा स्लो है, तो हम देखते हैं अगर इधर से डाउनलोड तकरीबन हो गया है, 8% रहता है, नहीं तो हमें जो और साइट है वहाँ से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम इसको दूसरी साइट से कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर साइट इसकी जो स्पीड है वो ठीक हो।
Radio Present. ये देखें दोस्तों, हम इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका जो है, यहाँ से आप इसके टिकट ड्राइवर भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये स्पीड जो है वो नहीं आ रही, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से भी हो गया तकरीबन, तो हम इसको रहने देते हैं यहाँ से। अभी यहाँ तक हो गया ये दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये हमारा जो नई अपडेट थी दोस्तों, ये डाउनलोड हो गई है। तो हम इसको दोस्तों इंस्टॉल करेंगे। कंप्लीट हो गया दोस्तों, तो हम इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, हम डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पर ये देखें, हमारा जो नई अपडेट थी वो अपडेट हो गया है, डाउनलोड हो गया। इसके बाद दोस्तों हम इसको पेस्ट करेंगे, फ्रंट पे लाएंगे और यहाँ पर इसको दोस्तों जो है इसको ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी ये ओपन हो जाएगा। इसको हम यस करेंगे। इसको हम मिनिमाइज कर देंगे दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये इसकी नई अपडेट जो है इंटरफेस उसको ऑन हो रहा है दोस्तों। ये दोस्तों इसका इंटरफेस ओपन हो गया है, तो हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। जो इसकी अपडेट आई है, हम सैमसंग में जाएंगे, यहाँ पर इसकी अपडेट चेक करेंगे दोस्तों। जो इसमें अपडेट आई है इसको चेक करेंगे दोस्तों। तो देखें दोस्तों, इसमें जो सैमसंग न्यू में जो है इसको चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ अपडेट इसकी आई थी, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसमें बाईपास FRP, तो ये क्वालकॉम की जो अपडेट आई थी दोस्तों, उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर बाईपास इसका है दोस्तों, पीजी लॉक वगैरह आप जैसे खोल सकते हैं इसको। और दोस्तों इसके बाद जो है हवावे में जाएंगे, और हवावे में जो है यहाँ पर भी इसके अपडेट हवावे की तो इसमें है ही है। पहले तो हम जो अपडेट आई है उसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये क्वालकॉम में आई थी, MTK में आई है, तो MTK को चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आपने गैनरिक MTK यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो इसके यहाँ पर दोस्तों जो मॉडल वगैरह हैं यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ऑटो है, वैसे ही इन्फिनिक्स के टेक्नोकिस हैं ये। आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर इसके इन्फिनिक्स आ गया, तो यहाँ पर इसके कुछ ये जो मॉडल हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ से देखें, ये इसमें है ऑटो, और इसमें दोस्तों यहाँ से ये सैमसंग का जो ऐड किया गया इसमें है, और MTK 2023 हो गया, V6 V5 दोस्तों इसमें हो गया। तो ये न्यू डिवाइस इसमें दोस्तों ऐड है, तो ये ओल्ड MTK है इसमें।
तो इसमें जो ये इसमें न्यू है तो आपने इसमें से चेक कर लेना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आप जो है इसका सिलेक्ट करके एमटीके जो इसका ये मैंने इंटरफेस खोला हुआ है यहाँ से आपने इसको अनलॉक करना है सेट को। ये जो V6 हो गया, V5, V6 हो गया। उसके बाद दोस्तों इसमें जाते हैं हम, तो फिक्स है ये तो ब्रांड जो है फिक्स है। इसमें आपने एक यहाँ पर ये टेक्नो का है तो टेक्नो का, इन्फिनिक्स का है तो इन्फिनिक्स का, नहीं तो आप ऑटो रहने दें, ऑटो रहने दें तो वो भी आपका जो फ़ोन है अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ से आप इसका रिसेट डाटा कर सकते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों इसमें वाइप यूजर डाटा भी है और इसमें आप FRP जो है वो रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप स्कैटर फाइल जो है इसकी वो भी इधर इसको फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं सिलेक्ट करके स्कैटर फाइल। उसके बाद दोस्तों MTK क्वालकॉम आया दोस्तों, तो क्वालकॉम में जाते हैं दोस्तों। क्वालकॉम में जो है दोस्तों ये देखें यहाँ पर जो है इसके जो ये हवा वे भी इस तरह के इसमें मॉडल दिए गए हैं। अब उन्होंने क्वालकॉम न्यू और ओल्ड कर दिया इसमें। ये आप इधर से हवावे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसके मॉडल आ जाएंगे, ये इसके मॉडल आ जाएंगे दोस्तों। और आपने इसको जो है सर्विस में जाके रीड प्रेस भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं दोस्तों इसमें। और कस्टम लोड चेक करके यहाँ पर आप इसकी जो प्रोग्रामिंग फाइल है वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें अगर FRP लॉक लगा हुआ है या फैक्ट्री सेट आपने करना है तो दोस्तों इसी में है। अभी ये देखें ये इसी में है, ये जो रिपेयर चिपेयर डैमेज दोस्तों हवावे की इसमें आप रिपेयर कर सकते हैं। और ओप्पो को ये जो है FRP रेस कर सकते हैं, अनलॉक ID हवावे कर सकते हैं टोटली दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन है मौजूद है इसमें, जो MTK का CPU क्वालकॉम का CPU होगा दोस्तों उसको आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों ओप्पो को देख लेता हूँ, ये देखें ओप्पो के इसमें जो है मॉडल दिए गए हैं इसमें, तो आप इसमें से जाके इसमें इसको अनलॉक दोस्तों कर सकते हैं। देखें दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, कैसे मॉडल है आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, आप पे कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो है हम जाएंगे, ये क्वालकॉम था, SPT में जाएंगे। SPT भी ऐसे दोस्तों करती है, ये टैग मोड है इसका, तो ये टैग मोड में जाके आपको बूट जो है ओल्ड डिवाइस इसमें सेलेक्ट करके, न्यू भी है और बूट नोकिया के सेट जो की पैड वाले हैं दोस्तों आप उनको भी इसमें कर सकते हैं दोस्तों। ये देखें इसमें रीडर को SPD डैक मोड में और फैक्ट्री सेट SPD डैक मोड में दोस्तों कर सकते हैं। ये नोकिया के डिवाइस के लिए है और ऐसे ये मेथड जो इसका 4, 5, 6 इस तरह है दोस्तों। और दोस्तों ये जो है ये SPD ओल्ड है, इसको भी आप इनको कर सकते हैं, रीड राइट भी कर सकते हैं दोस्तों इसमें। और इसमें दोस्तों आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं सेट को, ये देखें फिक्स भी कर सकते हैं दोस्तों इसमें, ये देखें। और दोस्तों इसमें जो है न्यू SPD है उसमें ये आपके सामने इंटरफेस है, इसमें आप कस्टम कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ पर इसके जो CPU दिए गए हैं चिप वगैरह, तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी इसका जो फोन आपके पास हो तो आप इधर से जो है उसका CPU सिलेक्ट करके आप यहाँ से उसका जो है रीड राइट जो है कर सकते हैं, फ्लैश और रीड इन को फैक्ट्री सेट FRP लॉक MDM लॉक हो, नेटवर्क अनलॉक हो और अनलॉक जो बूट लोडर है अगर रीलॉक बूट लोडर हो और इमी रिपेयर भी इसी में कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे अब एप्पल में, तो एप्पल को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो इन्होंने अपडेट दी थी उसको देखेंगे दोस्तों। इसमें
कि इसमें क्या चीज़ है ऐसी दोस्तों, जो इन्होंने कहा है कि वन क्लिक में हो जाती है। दोस्तों ये देखें, ये इसकी ओपन मेन्यू हो गया इसमें से, और ये हम दोस्तों अब जाएंगे एम डी एम में देखते हैं। यहाँ पर पी मेथड 1 और 2 है, एम डी एम नॉर्मल मोड में। अब जल ब्रेक जो है इसमें देखेंगे दोस्तों, जल ब्रेक में ये देखें दोस्तों, इसमें जो है ये इसमें भी वन क्लिक में नहीं आया। आगे देखते हैं दोस्तों पासकोड में, यहाँ पर और पारमेट, यहाँ पर दोस्तों यूएसबी पैच देखते हैं, और इसमें रैम डिस्क में देखते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, इसमें आया है पासकोड जो है हेलो iOS 11 से देख अप कर दिया गया, और 16 तक इसमें किया गया है वन क्लिक में दोस्तों। ये इसकी अपडेट आई है दोस्तों इसमें, और जो है आप इसका जो है ये चेंज टेस्ट जो है साइंट ड्राइवर टू और दोस्तों इसमें है, और ये अपडेट इसकी दोस्तों है। और इसके बाद हम एडवांस में जाएंगे, ये हम वन क्लिक में गए थे और ये एडवांस में। तो दोस्तों ये भी ये देखें, इसमें ये अपडेट इसकी है दोस्तों, यही अपडेट है वन क्लिक में। और आगे दोस्तों देखेंगे इसमें, अब हम बूट लोडर में आई पॉन्ड्रो में गए हैं, इसके बाद बूट में जाएंगी। यहाँ पर आप आईफोन जो आईपैड हैं उसको भी इसमें कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हेलो इसमें आप कर सकते हैं इसको। ये देखें दोस्तों 16 से 17 तक मेथड जो है इसमें आप कर सकते हैं। और दोस्तों ये देखें, इसमें जो नई उन्होंने अपडेट दी थी डिसेबल अपडेट रीसेट स्किप जो है सेटअप, तो इसको आप इधर से कर सकते हैं दोस्तों सेलेक्ट करके। ये जो है एडवांस में है, और ये रैम डिस्क में मौजूद है दोस्तों, ये पासकोड है दोस्तों, और इसको दोस्तों आप कर सकते हैं। देखें दोस्तों पासकोड में इन्होंने दिया हुआ है, ये हेलो में दिया हुआ है इस तरह दोस्तों। ये देखें, ये एक्टिवेशन फाइल इसके खुद बहुत ही डाउनलोड हो जाती है, और आप इसको फॉर्मेट भी दोस्तों कर सकते हैं। अच्छी अपडेट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो है, ये आप इसके ड्राइवर वगैरह जो हैं वो यहाँ से कर सकते हैं इसके। और उसके बाद दोस्तों जो पर्पल मोड है, इस एक केबल होती है दोस्तों, उसके ज़रिए आप इसको कर सकते हैं, इसका सीरियल नंबर पर्पल मोड में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो दोस्तों, तो इंशाल्लाह जो मेरी वीडियो है आपको पसंद आएगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो न्यू शाहीन मोबाइल्स आपके लिए बनाता रहता है। इतना तो हक बनता है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें वीडियो जो है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों में, सब्सक्राइब करें दोस्तों दोस्तों, और जो हमारा चैनल है इसको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है फिर मुलाकात होगी हमारी। ये हमारी आज की अपडेट थी EFT Pro की, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।